सुबह से शाम तक हेल्दी खाना खाना, अच्छे से चबा के खाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, वॉक करना, वाओ कितनी सही जिंदगी होती है ना, जब हम कुछ ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं और हमें लगता है कि जिंदगी भर बस अब ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अचानक एक गैप के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर से मन करता है जंक फूड खाने का, एक्सरसाइज को छोड़ देने का, वॉक पे नहीं जाने का। लेकिन बात ऐसी है कि कोशिश हम जरूर करते हैं, हर बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो भाई बात ऐसी है कि जिन्हें पता है कि उनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है और वो इससे परेशान है, जो एफर्ट्स लगाकर अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना चाहते हैं और जानते हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि आपको हेल्दी ईटिंग की स्ट्रेटेजीज पता चल सके और आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बन सके, तो आप इस वीडियो में हमारे साथ आगे जरूर आइएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कुछ भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन जानते हैं हेल्दी ईटिंग की 17 स्ट्रेटेजीज के बारे में। नंबर एक पर है, ब्रेकफास्ट स्किप करने का सोचना ही नहीं है। माना लाइफ बहुत फास्ट स्पीड से भाग रही है और टाइम की कमी की वजह से आप नाश्ता स्किप करना सही समझते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है और वो भी ऐसा जिसमें फाइबर ज्यादा हो और फैट, शुगर और सॉल्ट काफी कम हो, यानी हेल्दी नाश्ता। ऐसा नाश्ता अच्छी सेहत के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा और इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, जिसके लिए आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। नंबर दो पर है, छोटी प्लेट में खाना शुरू करना। हो सकता है कि आपको खाना बहुत पसंद हो और आप बड़ी से बड़ी प्लेट में भरकर खाना ले आते हैं और खा लेने के बाद सोचते हैं कि मुझे तो हेल्दी वेट मेंटेन करना था, ऐसे तो मेरा वजन बढ़ता चला जाएगा। अब इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है? बहुत आसान सा सलूशन है, छोटी प्लेट चूज करें। बड़ी प्लेट में खाना कम दिखाई देता है, इसलिए हम उसे भरते चले जाते हैं। इससे बचना है तो आराम से खाइए, लेकिन छोटी प्लेट से, जिसमें आपको खाना ज्यादा दिखाई देगा और खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि आपका पेट भर गया है। ऐसा करके आप आराम से खा भी लेंगे और अपने ब्रेन को ये मैसेज भी दे देंगे कि आपका पेट भर गया है, जिससे नेक्स्ट मील में आपको ओवर ईटिंग की जरूरत नहीं लगेगी और आपका हेल्दी वेट आसानी से मेंटेन रह पाएगा। नंबर तीन पर है, खाने में जल्दबाजी क्यों? अगर आप बिजी रहते हैं तो गॉसिप में से थोड़ा सा टाइम कट कर लीजिए, मनोरंजन में से भी आप थोड़ा सा टाइम कट कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के टाइम में से कोई टाइम कट नहीं करना है, क्योंकि खाना एकदम फुर्सत से खाना है, धीरे धीरे चबा चबा कर। ये बात आपने बहुत बार सुनी भी होगी, लेकिन अब तो मान ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज के अकॉर्डिंग फास्ट ईटर्स ज्यादा खाते हैं और स्लो ईटर्स कंपैरेटिवली कम खाते हैं और सेटिस्फाई भी फील करते हैं। चबा चबा कर खाने से ओवर ईटिंग से बचाव होता है, जिससे ओबेसिटी प्रिवेंशन हो जाता है और खाने को डाइजेस्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है, जिससे पेट खुश रहता है, और अगर पेट खुश तो हेल्थ का अच्छा होना तो पक्का ही है। नंबर चार पर है, मीठा बोलो पर खाने में मीठा कम ही रखो। आजकल सब शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स को बहुत एंजॉय करने लगे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये इजीली मिलने वाली ड्रिंक्स और फूड आइटम्स जैसे स्वीट्स एंड चॉकलेट्स हमारा कितना लॉस कर रहे हैं। इनसे वेट गेन बहुत तेजी से होता है और इनसे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसलिए ऐसे फूड आइटम्स का क्रेज छोड़ना होगा और डेली फूड में यूज की जाने वाली शुगर की क्वांटिटी भी कम करनी होगी। इसकी जगह जहां जहां गुड़ और शहद का यूज हो सके वो भी किया जा सकता है, और क्वांटिटी तो उनकी भी बैलेंस रखनी ही होगी। हाँ, लेकिन मीठा बोलने के लिए आपको इतने सारे हिसाब किताब नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना अच्छी बात। आगे नंबर पांच पर है, सॉल्ट कम खाना। आप जानते हैं कि ज्यादा सॉल्ट ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है और हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। हमें दिन में 6 ग्राम यानी लगभग 1 टीस्पून जितना सॉल्ट ही खाना चाहिए, इसलिए अगर आप ज्यादा खाते हैं तो धीरे धीरे ही सही, हर दिन के साथ सॉल्ट कंजप्शन कम करते जाइए। नंबर 6 पर है, सैचुरेटेड फैट से दोस्ती नहीं करनी है। हमारी डाइट में हमें थोड़ी क्वांटिटी सैचुरेटेड फैट की चाहिए तो होती है, लेकिन कितना अमाउंट चाहिए और ये फैट गुड है या बैड, इसके बारे में अवेयर होने की जरूरत है। फैट मेनली दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड फैट्स बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारा फायदा देते हैं, जबकि ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाने से ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क हाई होता है।
इसलिए मेल्स को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं लेना चाहिए और फीमेल्स को 20 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बर्गर्स, पिज्जा, मेयोनीज, बटर, चीज, डीप फ्राइड फूड्स और केक्स में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा होता है। आई नो आपको ये सब बहुत पसंद होगा, सॉरी बट ये तो कम करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नंबर 7 पर है हेल्दी ऑयल चूज करना। ऑयल और फूड का कनेक्शन तो हम सब जानते हैं, लेकिन कनेक्शन सही होना भी तो जरूरी है। इसलिए अगर रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो इसे किचन से बाहर का रास्ता दिखाने की अभी जरूरत है और उसकी जगह हेल्दी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल, कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल का यूज करना शुरू कीजिए। ऑलिव ऑयल भी अच्छी चॉइस है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा महंगा होने के साथ इंडियन कुकिंग के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। और अगर कोई हर तरह की कुकिंग के लिए परफेक्ट है तो वो है घी, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसे आप घर में भी बना सकते हैं। नंबर 8 पर आता है फ्रूट्स को खाओ पियो मत। फ्रूट जूसेस अच्छे लगते हैं ना, और उन्हें पीकर बड़ी खुशी होती है कि हम हेल्दी फूड एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसकी जगह आप फ्रेश फ्रूट्स को खाना प्रेफर करें, तो क्या वाकई में आप इस बात को मानेंगे? हाँ, आपको ये बात माननी चाहिए, क्योंकि फ्रूट में फाइबर और कई प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। उनकी नेचुरल शुगर्स ब्लड शुगर लेवल्स को कोई मेजर हाइक नहीं देती है। फ्रूट्स खाने से हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर जैसी हेल्थ कंडीशंस का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। जबकि फ्रूट जूस पीने से एक तो फाइबर लॉस्ट हो जाता है, दूसरा उसमें बहुत सारी शुगर ऐड कर दी जाती है, जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकती है। अगर आप घर पर जूस बनाते हैं तो कभी कभी फ्रेश जूस ले सकते हैं बिना फाइबर रिमूव किए, लेकिन मार्केट के जूसेस तो हेल्थ देने की बजाय बिगाड़ ज्यादा देंगे, ये तो अब आप भी समझ ही जाइए। नंबर 9 पर आता है वेजिटेबल्स की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। अगर आपको हेल्दी ईटिंग चाहिए तो आपके फेवरेट कलर्स में ग्रीन को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती। इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है, जबकि न्यूट्रिशन और फाइबर बहुत ज्यादा। इनके साथ आप बाकी सारी वेजिटेबल्स भी जरूर खाइए, और अगर आपको सब्जी खाना कम पसंद है तो इसे अपनी पसंद बनाइए और इनसे हर हफ्ते कोई न्यू रेसिपी ट्राई करने पर ध्यान लगाइए, ताकि आपके लिए इनसे दोस्ती करना आसान हो सके। नंबर 10 पर आता है अक्सर घर पर ही कुक करना होगा। आजकल बाहर जाकर खाने का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि अब ये बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है। मतलब अगर आप बाहर निकले तो आपको इतने रेस्टोरेंट मिल जाएंगे कि चलो कुछ खाकर आते हैं, कुछ ना कुछ तो कॉफी पी लेते हैं, और कॉफी के बहाने कुकीज और फिर लंबी चेन है, आप क्या क्या खाएंगे। हाँ, लेकिन ये हेल्दी तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए अच्छी हेल्थ के लिए ये एफर्ट आपको लगाना ही होगा कि अक्सर घर के खाने को ही आप प्रेफर करें, और उसे भी अगले कई दिनों तक फ्रिज में रखकर बचाकर खाते रहने से भी आपको बचना होगा। और फिर ये तो हम सब जानते ही हैं कि घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, और जब कभी कभार बाहर खाने का मन हो तो जंक फूड रेस्टोरेंट की जगह अब कोई नया हेल्दी फूड ऑप्शंस ऑफर करने वाला रेस्टोरेंट ढूंढ लीजिए, क्योंकि आजकल हेल्दी रेस्टोरेंट्स भी काफी आ गए हैं, काफी सारी डिशेज आ गई है, तो थोड़ी सी मेहनत तो यहाँ पर करनी ही होगी। नंबर 11 पर आता है डाइट फूड्स के झांसे में आना बंद कीजिए। फैट फ्री, लो फैट और लो कैलोरीज के लेबल कितना अट्रैक्ट करते हैं ना, लेकिन ये लेबल लगे हुए डाइट फूड्स असल में एक छलावा ही होते हैं। इनमें ज्यादा शुगर, ज्यादा कैलोरीज होती है, जो फायदा तो नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें छोड़िए और होल फूड्स को एंजॉय करें, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और कोई भी डाइट फॉलो करे तो प्लीज आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व करके आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है, आप किससे डाइट ले रहे हैं, रिव्यूज देखिए और फिर डिसाइड कीजिए। नंबर 12 पर है ग्रिलिंग और फ्राइंग के आगे की कुकिंग देखिए। आप क्या पका रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसे कैसे पका रहे हैं। बहुत सी चीजों को तैयार करने के तरीके होते हैं ग्रिलिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग, लेकिन इन कुकिंग मेथड्स का यूज करते टाइम बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो बहुत तरह की हेल्थ कंडीशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज और कैंसर। तो क्यों ना हेल्दी कुकिंग मेथड्स को अपनाया जाए, जैसे कि बेकिंग, सिमरिंग और स्लो कुकिंग। नंबर 13 पर है सफिशियंट वाटर पीना है। गुड हेल्थ के लिए बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनफ वाटर इनटेक भी बहुत जरूरी है। इसकी हेल्प से वेट मेंटेन करना भी आसान हो सकता है। अगर आप ओवर ईटिंग को रोक नहीं पाते हैं तो खाने से जस्ट पहले पानी पी लीजिए, जिससे आपकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी और आप थोड़ा सा कम खाएंगे, जिससे ओवर ईटिंग से छुटकारा आपको मिलने लगेगा। और फिर पानी तो हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि ये तो हमें पीना ही है। और हाँ,
पानी को अदर बेवरेजेस से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल ना करें। नंबर 14 पर है शॉपिंग सोच समझकर करनी होगी। हेल्दी ईटिंग फॉलो करनी है तो घर में ऐसा सामान भरने से बचना होगा जो दिखता तो अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग है लेकिन बहुत ही हार्मफुल होता है, जैसे चिप्स, कुकीज, डीप फ्राइड फूड आइटम्स एक्सेट्रा। और इसके लिए आपको शॉपिंग से पहले ही लिस्ट बना लेनी होगी कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग के दौरान आप इस लिस्ट पर स्टिक रहिए ताकि आप घर में हेल्दी फूड आइटम्स को ही एंट्री दें और साथ में पैसे भी बचा लें। और हाँ, शॉपिंग पर कभी भी खाली पेट मत जाना, वरना लिस्ट से हटके सब कुछ हार्मफुल लेकर के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि भूख जो लगी होगी तो मन तो करेगा ही टेस्टी दिखने वाले फूड आइटम्स को बैग में भर लेने का। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 15 पर है हेल्दी वेट पर फोकस करना है, स्लिम होने पर नहीं। अच्छा दिखना तो सबको पसंद है, लेकिन अगर दो ऑप्शंस हो, यानी स्लिम दिखना और हेल्दी वेट मेंटेन करना, तो आप कौन सा चूज करेंगे? मैं तो हेल्दी वेट मेंटेन करना ही चूज करूंगी, क्योंकि इसका मतलब होता है आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है और आप अच्छे भी दिखते हैं। वहीं स्लिम का मतलब अच्छा दिखना शायद हो भी जाए, लेकिन फिट और हेल्दी होना भी होता है, इसकी श्योरिटी नहीं है। इसलिए अच्छा खाना खाइए और खुश होकर खाइए, चबा चबा कर खाइए, आराम से फुर्सत लेकर खाइए। नंबर 16 पर है एक्टिव रहना। सोफे पर लेटकर चिप्स के पैकेट के साथ मूवी एंजॉय करना किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन आपकी हेल्थ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है। जितना मजा आपको चिप्स खाने और मूवी देखने में आता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। इसलिए हेल्दी फूड तो चूज करना ही है, साथ में एक्टिव भी रहना है, बोले तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ये आपने सबसे सुना होगा, हर बार हर दिन सुना होगा, लेकिन बहुत लेजी फील होता होगा एक्सरसाइज करने में, है ना? मुझे भी होता था, लेकिन जब मुझे हेल्थ इश्यूज और एक्सरसाइज में से एक चूज करने का ऑप्शन मिला तो मैंने चूज किया कि एक्सरसाइज करना बेहतर है। आई नो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी चीजें होती ना लाइफ में जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर फायदा देती है तो नुकसान क्या है। नंबर 17 पर है अच्छी नाइट स्लीप लेनी है। आप सोच रहे होंगे कि हेल्दी ईटिंग के लिए सोने की बात क्यों, तो इसीलिए क्योंकि हमारा सोना, जागना, वर्कआउट करना और खुश रहना, ये सब हेल्दी ईटिंग से रिलेट करते हैं। और जहां तक नींद का कनेक्शन है, तो नींद की कमी से एपेटाइट रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे एपेटाइट यानी भूख बढ़ जाती है, और इसका मतलब तो आप समझ ही लीजिए कि ज्यादा कैलोरी इनटेक और वजन का बढ़ना। और हाँ, जो लोग बहुत कम घंटों की नींद लेते हैं, उनके वजन बढ़ने के चांसेस भी हाई होते हैं, और इम्यून फंक्शन, प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन पर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता ही है, और ये सब मिलकर के आपकी हेल्थ को डाउन करने लग जाते हैं। इसलिए इन्हें रोकने के लिए अच्छी और भरपूर नींद आपको लेनी ही होगी, और इस तरीके से इन 17 स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाएगा तो हेल्दी ईटिंग के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल का टारगेट भी अचीव किया जा सकता है। आई नो मुश्किल लगता है, टेस्टलेस भी लगता है, कभी कभी महंगा भी लगता है, और कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी लगता है, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी, क्योंकि इन सब इश्यूज को तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलकर भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो क्या हम कुछ कर पाएंगे, धीरे या जल्दी या किसी और तरीके से? अगर डिजीज आ गई मतलब आ गई, डायबिटीज आ गई मतलब आ गई, इसीलिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? आई थिंक पहला वाला, जहां पर जल्दी या धीरे एटलीस्ट हम कर रहे हैं, तो फिर इस बारे में सोचिएगा जरूर। और इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प की हो, आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, या ऑलरेडी आप इसमें से कुछ कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि एटलीस्ट आप 4 चीजें फॉलो करते हैं तो कम से कम बाकी लोग भी इसे फॉलो कर पाए। इसी के साथ आगे कोई सवाल है जिस पर वीडियो देखना चाहते हैं, लिख भेजिए। बाकी अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही और ऐसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।